हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, मोशन। नाइन्थ क्लास का साइंस का सबसे पहला लेसन है, तो चलो देखते हैं मोशन होता है क्या। तो जैसे कि बाय द डेफिनेशन मैंने लिखा है कि कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन को चेंज करे उसकी सराउंडिंग के हिसाब से, आप टाइम भी लिख सकते हो, अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे आप मतलब सराउंडिंग के हिसाब से, तो हम उसे मोशन कहेंगे। ठीक है, तो बात एग्जांपल की आती है, तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि जैसे कि कोई आदमी चल रहा है स्ट्रीट पे, चल रहा है इट मीन बैठा नहीं है, अगर बैठ के कोई काम कर रहा है इट मीन वो मोशन में नहीं है, वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, साइंस नहीं मानती उसे, तो जब तक वो अपनी बॉडी की पोजिशन पूरी तरह चेंज ना करे हम उसे मोशन मतलब मोशन कहेंगे, नहीं तो मोशन नहीं कहेंगे। अब बात करते हैं रेस्ट, पूरा अपोजिट है, अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन ना चेंज करे अपनी सराउंडिंग के हिसाब से तो हम उसे कहेंगे कि वो रेस्ट में है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते टर्म्स हैं, अगर पोजीशन चेंज करे तो मोशन, अगर ना करे तो वो रेस्ट में होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करेंगे, एक आदमी बैठा है कहाँ पर, चेयर पर। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल में बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस होता क्या है कि अगर एक्चुअल पाथ कवर करे कोई भी बॉडी तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे समझ नहीं आएगी तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि एक रास्ता आ गया, ठीक है, ये किसी ए का घर है, ठीक है, और ये नीचे कोई बी रहता है। ठीक है, अब ए को बी के घर पे जाना है, अगर वो ये वाला रास्ता तय करके जाएगा, ठीक है, जो एक्चुअल पाथ है, जो सड़क है वगैरह वो तय करके जाएगा, तो उसे हम डिस्टेंस कहेंगे क्योंकि उसने एक्चुअल पाथ कवर किया। अगर वो ये रास्ता ना तय करे और वो शॉर्ट ले ले यहाँ से, कोई शॉर्ट लेकर जाए, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये दोनों में डिफरेंस है। दरअसल ज़्यादातर देखा जाए तो दोनों सेम ही लोग समझ के चलते हैं, बट दोनों सेम नहीं होते, दोनों में यही डिस्टेंस है, सॉरी डिफरेंस है। ठीक है, एक तो एक्चुअल पाथ होता है, दूसरा शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट मीन, देखो एक और बात आती है इसमें कि अगर आपको डायरेक्शन पता है आप तभी ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं पता तो लॉन्ग डिस्टेंस से ही जाओगे, जो मेन रास्ता है, तो तब डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। एक और बात, हम कभी भी डिस्टेंस दो चीज़ों के बीच में निकालते हैं, एक स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट रहता है, दोनों के बीच में निकलेगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ के बीच में कभी अगर एक डाटा दिया हो तो उसमें हम डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एसआई यूनिट की, तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर भी आ सकता है। ठीक है, अब बात ये आएगी दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डिस्टेंस जो है इसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जैसे जानते हैं कि जिसमें डायरेक्शन की बात की जाए तो वो तो, या डायरेक्शन दी हो तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, और जिसमें डिस्प्लेसमेंट की बात, सॉरी जिसमें डायरेक्शन ना दी गई हो उसे डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ कोई नए कंसेप्ट के साथ।